हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों बादशाह बॉलीवुड शाहरुख खान की फिल्म किंग व्हिच इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सुजॉय घोष, यू नो आई थिंक बदला फिल्म उन्होंने बनाई थी। वेरी गुड थ्रिलर व्हिच वाज प्रोड्यूस्ड बाय शाहरुख खान। किंग फिल्म में शाहरुख खान के अलावा उनकी बेटी सुहाना खान है। एंड ऑफकोर्स लेटेस्ट न्यूज ये आई कि विलन का रोल, मेन विलन का रोल अभिषेक बच्चन को मिला है। ये फिल्म 2025 को रिलीज होने वाली है। आई एम श्योर दिस फिल्म इज गोइंग टू ब्लास्ट द स्क्रीन, क्योंकि इसका प्लॉट बहुत अच्छा है। 1994 में जो फिल्म आई थी लियोन द प्रोफेशनल, वो पिक्चर से कॉपी करके आइडिया लिफ्ट करके 2000 में डायरेक्टर गुड्डू धनोआ ने बॉबी देओल और रानी मुखर्जी को लेके पिच्चू बनाई थी। पिच्चू फिल्म सेम पिक्चर थी वो, उसमें मेन विलन थे आशीष विद्यार्थी, और वही प्लॉट सेम टू सेम प्लॉट शाहरुख खान की फिल्म किंग का है। अभी बॉबी देओल लेकिन वहां पे रानी मुखर्जी बताइए, प्रोफेशनल में छोटी बच्ची बताइए, जिसमें भी शाहरुख खान की खुद की बेटी बताइए। तो प्लॉट तो बहुत जबरदस्त है दोस्तों, और आशीष विद्यार्थी वहाँ विलन थे, यहाँ पे अभिषेक बच्चन विलन है। तो अगर आप बिच्चू, अगर आपको अगर किंग का प्लॉट देखना है तो बिच्चू फिल्म देख लीजिए या लियोन फिल्म देख लीजिए, सेम पिक्चर है। तो 94 से लियोन, तो प्रोफेशनल 2000 में बिच्चू, और अभी 2025 में किंग, तीनों फिल्म सेम है। उसका प्लॉट इतना जबरदस्त है कि अगर आप अच्छा जो अच्छी फिल्म बनाओगे तो ये जबरदस्त फिल्म मतलब ब्लास्ट कर सकती है बॉक्स ऑफिस। बिच्चू होता तो वेरी गुड फिल्म एंड इट वर्क्ड एट द बॉक्स ऑफिस। जो बॉबी देओल का जो कैरेक्टर बनाया था वो लोगों को बहुत पसंद आया था। एकदम चुप चुप रहता है बॉबी देओल, ज्यादा डायलॉग्स भी नहीं बोले, बोले बड़े एकदम खतरनाक आदमी का। उनका जो जब वो घर जाके जैकेट निकालते हैं, बॉम्ब चाकू बंदूक क्या क्या लगा के घूमते रहते हो, तो कैरेक्टर इतना ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट किया था बॉबी देओल ने, तो लोगों को फिल्म बहुत पसंद आई थी। उससे मलाइका अरोरा भी का भी छोटा सा रोल था। फिल्म में दो ही गाने थे, एक मलाइका अरोरा के साथ गाना, दूसरा एक रानी मुखर्जी का गाना जीवन में जाने जाना। तो दैट वाज अ वेरी गुड थ्रिलर मेड बाय गुड्डू धनोआ, वेरी वेल परफॉर्म बाय बॉबी देओल एंड रानी मुखर्जी, आशीष द्विवेदी एंड मेनी अदर्स। सबने जबरदस्त काम किया था, सॉलिड थ्रिलर पिक्चर थी। मेरे ख्याल से ये फिल्म जब किंग बनेगी 2025 में तो वो भी बहुत खूबसूरत फिल्म बन सकती है। आई डोंट नो हाउ सुजय घोष डायरेक्टर, ये अच्छे वो अच्छे डायरेक्टर है, उन्होंने एक तो फिल्म अच्छी बनाई है और क्योंकि प्लॉट ही बहुत अच्छा है। और यहाँ तो रियल फादर एंड डॉटर है शाहरुख खान एंड सुहाना खान, मतलब तो ऑडियंस को और ही मजा आएगा मेरे हिसाब से। और अभिषेक बच्चन को विलन के रोल में लिया है, तो अब देखते हैं दी लियोन 1994, बिच्चू 2000 और 2025 किंग। तीनों फिल्म में प्लॉट वही है लेकिन स्क्रीन पे कितना अलग है, बिच्चू से कितना अलग है वो देखना मजेदार होगा। या फिर मतलब कैरेक्टर किस तरह का शाहरुख खान का लिखा है वो सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इतने सालों के बाद उसकी कुछ रिमेक बन रही है। तो मुझे तो बिच्चू पिक्चर बहुत अच्छा लगा, उसका प्लॉट भी बहुत जबरदस्त लगा। तो हम श्योर किंग भी जबरदस्त ही रहेगी और सुजय घोष अच्छी थ्रिलर बना सकते हैं। आई थिंक बदला फिल्म उन्होंने ही बनाई थी मेरे हिसाब से, अमिताभ बच्चन को लेके सॉलिड फिल्म थी, जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर, मतलब एकदम पकड़ के रखा, इंटेक पकड़ के रखा, धमाकेदार परफॉर्मेंस अमिताभ बच्चन का एंड तापसी पन्नू। तो ऑल द सुपर बेस्ट टू द बादशाह बॉलीवुड शाहरुख खान, सुहाना खान, ऑफकोर्स अभिषेक बच्चन इज प्लेइंग द मेन विलन इन द किंग, रिटन डायरेक्ट बाय सुजॉय घोष। 2025 को फिल्म रिलीज हो रही है, देखते क्या होता है। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल बॉबी द मैटिनी आइडल, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू गाइस।